गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी डिमांड पर HCU MSc एंट्रेंस एग्जाम 2019 के नंबर 3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2019 की बात करें तो नंबर 3 से पार्ट ए में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पार्ट बी में अपने ओनली 1 क्वेश्चन पूछा गया था। पार्ट ए मींस तो सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तीन क्वेश्चन पार्ट ए से हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 7777, अपने को एक नंबर गिवन है, इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स पूछे हैं, राइट। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कैसे निकालें, अगर एन अपना कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन क्या होता है, टाउ ऑफ एन। अब आप बोलोगे टाउ ऑफ एन कैसे निकालेंगे, टाउ ऑफ एन एक फंक्शन होता है, राइट, और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर एन कोई नंबर है तो एन को ऐसे लिख सकते हैं पी टू द पावर ए इंटू क्यू टू द पावर बी इंटू आर टू द पावर सी, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, राइट, वेयर पी क्यू आर क्या होंगे प्राइम, राइट। तो टाउ ऑफ एन क्या होता है, इफ एन इज इक्वल टू दिस, राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ऐसा मिल जाएगा अपने को, राइट। देन टाउ ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल हम टाउ ऑफ 35 निकालें तो क्या आएगा, टाउ ऑफ 5 इंटू 7, पी एंड क्यू के स्थान पे क्या आ गया 5 एंड 7, बोथ आर प्राइम पावर 1, दिस इज नथिंग बट ए प्लस 1 1 प्लस 1 बी प्लस 1 1 प्लस 1 दिस इज नथिंग बट 4, राइट। इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होंगे, 35 होंगे, नंबर ऑफ बता रहा है ये, राइट, ठीक है। अब देखो किसके पॉजिटिव डिवाइजर निकाल लें अपने को, इसके तो इसका टाउ ऑफ एन निकाल लो, टाउ ऑफ सॉरी इस पहले इसका फैक्टराइजेशन कर दो, कैसे लिख सकते हैं इसको, 7 इंटू 11 ये कितना हो गया 11 77 101, राइट, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। ये देखो अब क्या, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। दिस मीन्स 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 101 की पावर 1, तीनों प्राइम में पी क्यू आर ए बी के ए बी सी, राइट। देन टाउ ऑफ 7777 इज नथिंग बट 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू एड। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने आएंगे, एड। ऐसा तीनों टाइप के क्वेश्चन सॉरी जो चार क्वेश्चन कराऊंगा, चार सीएसआर नेट के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसआर नेट में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, तो चारों क्वेश्चन को एमएससी के लिए और सीएसआर नेट दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, राइट। तो आपका कुछ भी दे दे यहाँ नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ समथिंग, आपको एन इज इक्वल टू कुछ भी दे दे, आपको कुछ नहीं करना है, ये अपना टाउ ऑफ एन निकालना है, टाउ ऑफ एन का मैंने फॉर्मूला बता दिया, राइट। अगर यहाँ कुछ और भी आता जैसे के की पावर डी के कोई प्राइम होता, राइट, तो आगे क्या होता के प्लस 1, इस प्रकार से जारी रहेगा, राइट। लेकिन ये क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। द रिमाइंडर ऑफ 2 की पावर 2015 व्हेन डिवाइडेड बाय 13, क्या बोल रहा है, जब हम इसको 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, चलो देख लेते हैं कितना आएगा। दिस मींस पूछ क्या रहा है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को पता होना चाहिए पूछ क्या रहा है, इसे यहां आया तो अपने को क्या पता लगा, ये पूछ क्या रहा है, टाउ ऑफ पूछ रहा है समथिंग, यहां क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है 2 की पावर 2015 मोड ऑफ 13, यही तो होता है कि रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 2015 इज डिवाइडेड बाय 13, राइट। और हमें क्या पता है, आयलर थ्योरम पता है, आयलर थ्योरम क्या बोलता है, आयलर थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत काम आती है, देखना। अगर अपना एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मींस अपना एम बिलोंग्स टू जेड प्लस एंड ए एम के साथ इसका जी सी डी क्या है 1, जी सी डी का सिंबल ये होता है, आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो जी सी डी ऑफ ए एम, राइट, एक इसका मीनिंग जी सी डी ऑफ ए एम ही होता है, ठीक है, 1 है। देन ए की पावर 5 ऑफ एम
is congruent to one mod of m, one mod of m. अब यहां देखो, यहां अपना m क्या है, m 13 है, कोई दिक्कत नहीं है. a क्या है, 2 है, 2 और 13. ये देखो a के स्थान पे क्या है, 2 है, m के स्थान पे क्या है, 13. 2 और 13 का gcd 1 है, तो अपन ये आयलर थ्योरम लगा सकते हैं, राइट. देन हम क्या लिखेंगे, देखो a की पावर 2 की पावर 5 ऑफ 13 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड ऑफ 13. लेकिन क्या अपना काम बन गया, ऐसे नहीं बना. कि कब बनेगा, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 2025 चाहिए. लेकिन हमारे पास क्या मिलेगा इससे, इससे तो केवल यही मिलेगा 2 की पावर 12 है इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड 13. तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको 2015 है, इसको इसके मल्टीप्लाई के रूप में लिखो तो क्या आएगा, देखो 12 इंटू 1 12 का 12 560 72, ठीक है, 72 10 12 इंटू 96 प्लस 9, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है. देन इसको तो मिटा दो, इसका काम हो गया. 2 की पावर 2015 मोड ऑफ 13 इज इक्वल टू 2 की पावर 2009 बस गया ना, हाँ 2000 सॉरी 12 इंटू 168 प्लस 9 मोड ऑफ 13, राइट. इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 12 है, और यहां से देखो 2 की पावर 12 है 168 इक्वल टू 1 की पावर 168 मोड ऑफ 13, दिस इज नथिंग बट 1 मोड ऑफ 13. क्यों लिख सकते हैं, a इज कॉन्ग्रेंट टू b मोड m, देन a की पावर k इज कॉन्ग्रेंट टू b की पावर k मोड ऑफ n, राइट. तो इसी से ये लिख दिया, ठीक है यहां तक. अब देखो इनटू 168 मोड ऑफ 13 इनटू 2 की पावर 9 मोड ऑफ 13, राइट. इसकी वैल्यू तो बना जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1. अपने को क्या निकालना पड़ेगा, 2 की पावर 9 मोड ऑफ 13, राइट. तो निकाल लो 2 की पावर 9, इसको मिटाते हैं, ये तो प्रॉपर्टी थी. अपने को निकालना पड़ेगा 2 की पावर 9 मोड ऑफ 13, दिस मींस 2 की पावर 9 को 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा. देखो 2 की पावर 4 क्या है, 16, सो 16 इक्वल टू 3 मोड ऑफ 13. 2 की पावर 8 क्या आएगा, स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा, इधर 9 मोड ऑफ 13. अपने को क्या चाहिए, इधर कितना चाहिए, 2 की पावर 9 चाहिए, राइट. तो 2 की पावर 9 बोले तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर 2 की पावर 9 आ गया, इधर आ गया 18. 18 मींस 5 मोड ऑफ 13. देन अपने पास यहां आ गया 1 इंटू 5 मोड ऑफ 13, दिस इक्वल टू कॉन्ग्रेंट 5, ठीक है. तो देखो व्हेन वी डिवाइड 2 की पावर 2015 सॉरी 25 बाय 13 देन वी गेट रिमाइंडर 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 अपना ये रहा अपना 5, ठीक है. इसी प्रकार से आप कुछ भी पूछे ये थ्योरम याद रखना, इस थ्योरम से आपका काम तुरंत बन जाएगा. अगर आप इतना सा ध्यान रख लोगे तो जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है वो आपके तुरंत हो जाएगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. इस टाइप का एक क्वेश्चन और पूछता है कि लास्ट डिजिट वाला, वो भी आप देख लेना कि लास्ट डिजिट ऑफ 2 की पावर 2025. तो लास्ट डिजिट वाले में क्या निकालते हैं कि रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 10, अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होता है, लास्ट डिजिट. तो उस केस में क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, राइट. अब बढ़ते हैं इसकी ओर, देखो द हाइएस्ट पावर ऑफ 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएसईआर नेट, द हाइएस्ट पावर ऑफ 3 दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल 1000, राइट. अगर 1000 फैक्टोरियल 1000 अपने को गिवन है और 3 का हाइएस्ट पावर क्या होगा जो इसको डिवाइड करे, देखो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताता हूं, थ्योरम बताता हूं, उससे तुरंत हो जाएगा, रिजल्ट नोट कीजिएगा. आप थ्योरम बोल सकते हो, इफ ए इज पॉजिटिव इंटीजर
a इज प्योरिटी इंटीजर एंड p इज प्राइम देन हाईएस्ट पावर या क्या बोल सकते हो एक्सपोनेंट ऑफ p दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल a दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल a इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a बाई p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a बाई p स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a बाई p क्यूब एंड सो ऑन। ध्यान रखना a इज पॉजिटिव इंटीजर एंड p इज प्राइम देयर हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट ऑफ p दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल a, राइट। अगर फैक्टोरियल a का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें इसकी p के पावर में क्या आएगा, ठीक है, ये फ्रेंड पूछा है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस प्रकार चलता रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a by p की पावर 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a by p की पावर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां देखो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, a के स्थान पे 1000 गिवन है, p के स्थान पे 3 गिवन है, प्राइम है, ठीक है। ये देखो क्या आएगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इक्वल टू 1000 बाई 9 3 स्क्वायर प्लस 1000 बाई 27 बड़ा लेंदी जाएगा तो, है ना, प्लस 1000 बाई 81 कुछ ज्यादा बड़ा ज्यादा है तो, ये कितना आएगा 3 प्लस 1000 बाई 9 72। हाँ अब जो आगे वाला जाएगा वो देखो, यहां तो आएगा 1000 अपॉन में क्या जाएगा, ये 2000 से ज्यादा जाएगा, ये जो भी वैल्यू आएगी 23, 3, 6, 7 ठीक है, 7, 21 ये आएगा, ये इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0 हो जाएगी। और सिमिलरली तो आगे जो भी टर्म आएगी उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे वाला टर्म हम नहीं देखेंगे, है ना, यहां तक कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है देखो 333, ठीक है, ये पॉइंट समथिंग होगा, इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो 1, 9, 9, 9, 9, 9, ठीक है। इसका वैल्यू ये देखो, इसका वैल्यू क्या आएगा 87, 81, 3, 19, 190 तो अपना 25, 175, 7 आएगा यहां, ठीक है। देखो 27, 77, 49, 14, 4, 18 ठीक है ना, ये अपना 190 बन जाएगा, ठीक है, 37 आ जाएगा। प्लस इसमें कितना आएगा देखो, इसमें आएगा अपना ये वाला 81 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 19, 2, 12 आ जाएगा। प्लस इसमें इसमें 4 आ जाएगा, राइट, और आगे वाले में 1 आ जाएगा एंड सो ऑन, आगे वाले 0 हो जाएंगे, ठीक है। इनको सम करो, सम कितना आएगा देखो 3, 4, 7 ये कितना आएगा 4, 7, 11, 13, 17, 18 अब देखो 18 आते ही, 18 आते ही इतना क्लियर आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 18 निकाल लिया। अगर आप आगे कैलकुलेट करोगे तो टाइम जाएगा, जिसमें लास्ट में 8 डिजिट है उसको क्लियर लगा दो, रेस्ट ऑफ ऑल को डिस्कार्ड कर दो या भगा दो, ठीक है। अब हम पूरा निकाल देंगे, लेकिन पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, लास्ट में जो भी आएगा वो आप लिख देना, आप जिसकी कैलकुलेशन कर लेना जो भी आए वही उसका क्या होगा, आप हाईएस्ट पावर ऑफ 3 ये अपना क्या आएगा 4, 9, 8 आएगा, कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन में मत जाना, मेरी कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन का ध्यान आपको रखना है एग्जाम में। मैंने फॉर्मूला बता दिया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, थ्योरम बोल सकते हो आप, राइट, इसको ध्यान में रखिए, इतना सा ध्यान रखिए आप, हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर ऑफ पी दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल ए, इतना सा ध्यान रख लीजिए। इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सीएसआर नेट में एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है हर बार, तो इसको आप विशेष ध्यान रखें, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सिस्टम ऑफ कांग्रेस रिलेशन, एक्स इज कांग्रेंट टू 1 mod of 3, एक्स इज कांग्रेंट टू 2 mod of 4, एक्स इज कांग्रेंट टू 3 mod of 5, देन सिस्टम हैज, इसका आपको सोल्यूशन नहीं निकालना है, सोल्यूशन निकालोगे टाइम लग जाएगा, राइट, तो मैं बताता हूँ इसे करना है। ये बोल रहा है नो सिमल्टेनियस इंटीजर सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सिमल्टेनियस सॉल्यूशन,
ओनली वन सिमुलटेनियस इंटीजर सोल्यूशन मॉडुलो 16, मोर देन वन सिमुलटेनियस सोल्यूशन मॉडुलो 16, राइट। तो इनमें से कौन सा है, तो एक्चुअली स्टेटमेंट पर है, जो अपना चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, अपना चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट देखिए, इफ एन वन एन टू एंड सो ऑन एन एन के आर पेयर वाइज को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर एंड ए वन ए टू एंड सो ऑन ए के आर, या के एम अच्छा लगेगा, एम कर दो यहां, आर एनी इंटीजर्स देन सिस्टम ऑफ कांग्रेस रिलेशन, ये वाला लिख लेना, अगर मैं लिखूंगा तो यहां बोर्ड पे जगह कम पड़ जाएगी, एक्स इज कांग्रेस टू ए वन मोड ऑफ एन वन, एक्स इज कांग्रेस टू ए टू मोड ऑफ एन टू, मैं फोटो प्रोवाइड करा दूंगा पूरा की टेंशन मत लो, एंड सो ऑन, एक्स इज कांग्रेस टू ए एम मोड ऑफ एन मोड ऑफ एन एम, हेज सिमुलटेनियस सॉल्यूशन विच इज यूनिक मॉड्यूलो एन वन इंटू एन टू एंड एन एम, राइट। तो यहां देखो इसका मतलब, अगर हमारा एन वन एन टू एन एम आर पेयर वाइज कोप्राइम, मीन्स एन आई एन जे, इनका जी सी डी क्या आएगा, वन फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, इनका जी सी डी क्या आएगा, वन, एन वन का एन टू के साथ, एन थ्री के साथ, एन एन एम के साथ जी सी डी वन, एन टू का तो रेस्ट ऑफ ऑल के साथ जी सी डी वन आएगा। यहाँ देखो थ्री फाइव का जी सी डी वन, थ्री फोर का जी सी डी वन, फोर फाइव का जी सी डी वन, इसका मतलब एन वन एन टू एन थ्री आर रिलेटिवली कोप्राइम पेयर वाइज कोप्राइम, राइट। ठीक है, देन अपन ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, यूनिक भी होगा, राइट। तो ये बोल रहा है नो सॉल्यूशन, इसको भी भगा दो, ये बोल रहा है हाँ। अब देखो, अब काम की आने वाली चीज है, इनफाइनाइट मेनी सिमल्टेनियस सॉल्यूशन, बिल्कुल इनफाइनाइट होंगे, क्यों होंगे, देखो अगर मॉडुलो 16 होगा, सॉरी अपना मॉडुलो एन वन एन टू एंड सो ऑन एन एम होगा, तब तो अपना क्या होगा, यूनिक मिल जाएगा। अगर ये नहीं होगा, अगर x1 इसका एक सॉल्यूशन है, देन x1 plus 60, x1 plus 120, x1 plus 180 and x1 plus 60 k, ये भी इसके सॉल्यूशन होंगे, फर्दर मोर ये इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर हम मॉडुलो एन वन एन टू एन एम की बात करें, मॉडुलो इसकी बात करें, तो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, राइट, इज इट यूनिक, ठीक है। अगर मॉडुलो की बात करें तो इसका यूनिक होगा, अगर विदाउट मॉडुलो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो इस टाइप से होंगे, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट, वो इसके सभी सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर मॉडुलो की बात करेंगे तो रेस्ट ऑफ ऑल एक में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सभी मोड ऑफ दिस इक्वल टू दिस, ये सभी एक्स वन में तब्दील हो जाएंगे, राइट। तो मॉडुलो की बात करें तो यूनिक आ जाएगा, अदरवाइज इसके इनफाइनाइट, देन इनफाइनाइट मेनी सिमल्टेनियस सॉल्यूशन, ओनली वन सिमल्टेनियस इंटीजर सॉल्यूशन मॉडुलो 60, राइट, और वास्ट रेस्ट ऑफ ऑल डिस्कार्ड होगी। अब देखो ये अपना मोर देन वन करेक्ट वाला था, तो इसमें दोनों हो गए, अगर ये सिंगल करेक्ट वाला आता तो यहाँ कुछ और आता और ये वाला ट्रू हो जाता, ठीक। अब देखो कई बार क्या करता है, एक्स की आपको वैल्यू पूछ लेता है, राइट। तो देखो अगर एक्स की वैल्यू पूछेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से निकालोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो उसको बताता हूं कैसे चेक करोगे आप, उसको चेक करने के लिए मान लो आपको कुछ फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी, राइट, इसमें गिवन है ए, इसमें गिवन है बी, इसमें गिवन है सी, इसमें गिवन है डी, कि ए बी सी डी में इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा, राइट। तो कैसे चेक करोगे, ए को पुट करो यहां, ए को पुट करो, ये इसको सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, यहां पुट करो, यहां पुट करो, अगर तीनों को सेटिस्फाई करेगा तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन होगा, बी भी सेटिस्फाई करेगा
अगर सी बी और डी बी इनमें से एक ही सेटिस्फाई करेगा, राइट, एक ही सेटिस्फाई करेगा। अगर मान लो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, बी भी सेटिस्फाई कर रहा है, देन क्या होगा, देखो ए और बी जो भी इनमें से बड़ा होगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, बी इज इक्वल टू ए प्लस 60k, इस टाइप का होगा। अगर मोर देन वन इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर सपोज करो आपने बोल दिया कि ए भी सेटिस्फाई कर रहा है और बी भी, इन तीनों इक्वेशन को, तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कांग्रेस रिलेशन है ये कंप्लीट को सॉल्यूशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा नहीं इसको सेटिस्फाई करे, इसको नहीं करे, इसको करे, तीनों को एक साथ सिमुलटेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए, वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो आप सिस्टमेटिक ढंग से निकाले, तुरंत निकाले, वैल्यू पुट करके देखें, जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं ना, पुट किया जो भी सॉल्यूशन है, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो मोर देन वन सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर मोर देन वन सेटिस्फाई करता है तो कुछ इस फॉर्म का होगा, अगर सपोज करो ए और बी दोनों सेटिस्फाई करता है तो इस फॉर्म का होगा, अगर इसको मोर 60 लगाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए में, राइट। तो मोर देन वन सेटिस्फाई नहीं करेगा, केवल ए ही सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो आप इसमें ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हो, राइट, ऑप्शन पुट करके ही चेक करना, अदरवाइज करोगे तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा और लेंथी करने का कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम नहीं डूबेगा और आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन थे एससी में पूछे गए थे, सभी हमने करा दिए, ये सीएसआर नेट के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इसके एचसीयू के लिए, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।